मुमरा के 1 करोड़ के फ्लैट में रहता था और ऑडी कार में घूमता था। वापी का चोर रोहित सालुंके मुस्लिम महिला से शादी करने के लिए नाम बदल कर रखा था अरहान। देखिए गुजरात पुलिस का ये खुलासा। पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IIT एलन। IITians के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। माय नेम इज शेख रिमशा मोहम्मद आरिफ। माय सेल्फ अंसारी मुस्तफा। माय सेल्फ शेख सदफ अजना। माय नेम इज अंसारी सानिया। माय सेल्फ शेख नदीम। माय स्कोर इज 656 इन नीट 2024 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians एलन से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। आई स्कोर्ड मार्क्स 600 इन नीट 2024। आई हैव स्कोर 611 मार्क्स इन नीट 2024 एग्जाम। आई हैव स्कोर 99.2 परसेंटाइल इन MSTCET 2024। आई डिड माय प्रिपरेशन फ्रॉम IITians एलन। तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गुजरात पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग राज्यों में डकैती की वारदात को अंजाम देता था। लेकिन पुलिस को तब एक बहुत बड़ा झटका लगा जब इस रोहित सालुंके से पूछताछ में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा मिला जिसे सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग दंग रह गए। बता दें, ये रोहित सालुंके ये मुमरा इलाके में रह करके करोड़ों की फ्लैट में रहा करता था और करोड़ों की फ्लैट के अलावा ये चलने फिरने के लिए इसके पास एक ऑडी कार थी। ऑडी कार से ये देर रात को नाइट क्लब में जा करके अय्याशी किया करता था। लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए की ऐसी अय्याशियों को ये मुंबई के क्लबों में अंजाम दिया करता था। अब अय्याशी तक ठीक नहीं था। रोहित सोलंके का एक और नया शौक था कि इसे मुस्लिम महिला से शादी करना था, जिसके लिए उसने नाम अपना बदल कर अरहान रखा हुआ था। अरहान नाम से ये जो है अलग अलग जगहों पर रह भी रहा था। लेकिन इस वापी में जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इससे पूछताछ की कि ये कितने और जो है मामलों में डकैती में शामिल है, तो बताया कि इसने जो 1 लाख रुपए के मामले में जो गिरफ्तार हुआ है, तो इसने और भी अलग अलग राज्यों में कितनी की चोरियां की है। बता दे, इससे 19 डकैतियों का खुलासा हुआ। इनमें से वलसाड़ में 3, सूरत में 1, पोरबंदर में 1, सुलवाल में 1, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश में 2, मध्य प्रदेश में 2 और महाराष्ट्र भी शामिल है। और बता दें, इसने रिश्वत के आधार पर अलग अलग राज्यों में जो है वो डकैती को अंजाम दिया था। बता दें, ये पहले तो 5-स्टार होटल बुक करके सभी होटलों के आसपास और सोसाइटियों में जा करके देख रेख करता था कि कहाँ वो चोरियाँ कर सकता है, और इसी तरीके से ये चोरियों को अंजाम देता था और फ्लाइटों के ज़रिए यहाँ से वहाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य जाया करता था। बहरहाल पुलिस की ये गिरफ्त में है और इसके तमाम जो प्रॉपर्टीज़ है उसे भी सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला और पुलिस को झटका देने वाला मामला था, जहाँ पर वापी में 1 लाख रुपए की चोरी के मामले में जब ये रोहित सोलंकी को गिरफ्तार पुलिस ने किया तो ये तमाम खुलासा हुआ। करोड़ों का फ्लैट, ऑडी गाड़ी और लग्जरी लाइफस्टाइल। अब इस मामले में आगे क्या खुलासा होता है, ये बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।